2020 से शुरू हुए कोरोना के कहर ने कईयों की ज़िंदगी छीनी तो कईयों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा। दो वक्त का खाना भी लोगों को लॉकडाउन व कोरोना के कहर के चलते मयस्सर ना होने पर केंद्र व राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह लोगों को फ्री राशन दिया ताकि लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब हो सके। कोरोना की पहली लहर के दौरान प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की कतारें देखने को मिली तो वहीं दूसरी लहर के दौरान शमशानों और कब्रिस्तानों के बाहर ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वालों की कतारों का भी भयावह मंजर देखने को मिला। लोगों का रोजगार गया तो बच्चों की पढ़ाई भी दो सालों से चौपट रही। अब स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी है तो वहीं निजी स्कूल अभिभावकों की परेशानियां बढ़ाने लगे हैं। जहां एक ओर एकाएक स्कूलों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं तो वहीं दूसरी ओर स्कूल की ड्रेस ही बदल दी गई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी व स्कूल की ड्रेस बदलने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पुरानी ड्रेस बहाल करने व बढ़ी हुई फीस वापस करने की मांग की है। बहराइच शहर स्थित सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म बदलने व फीस बढ़ोतरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई है कि पुरानी ड्रेस बहाल की जाए और साथ ही साथ फीस में की गई वृद्धि को भी वापस लिया जाए। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूल आने वाले बच्चों व अभिभावकों से एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बात नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं एबीवीपी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। इन सब के बीच एक बार फिर विवादों में रोडवेज चौकी इंचार्ज घिरते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी संयोजक ने प्रदर्शन के दौरान रोडवेज चौकी इंचार्ज की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उनके आचरण को शर्मनाक बताया। शुक्ला जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहराइच, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल में, क्या है मामला? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहराइच के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल में जिस तरीके से ड्रेस चेंज की गई है, 600 से 700 रुपए फीस बढ़ाई गई है और री एडमिशन के नाम पर 3500 की अवैध वसूली की जा रही है, इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब सुबह मिलने आते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से यहां मिलने से मना किया जाता है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जब तक फीस वापस नहीं ली जाएगी और पुराना ड्रेस नहीं लागू किया जाएगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। भारत माता की जय। आपकी मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है, आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हम तालाबंदी करके प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अन्य पुलिसकर्मियों का व्यवहार तो अच्छा रहा, लेकिन जो रोडवेज चौकी प्रभारी है उनका व्यवहार बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। यूपी बहराइच से नूर आलम, वारसी की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।